और भरे जब पूछ करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा। जगमग है जिससे जग सारा, कितने लोग हैं तेरे साथ बता। हमारे कौन से भेद जानने आए थे तुम लोग? क्यों भेजा है कौशल राज ने तुम्हें बता? युवराज पर आक्रमण क्यों किया तुमने बताओ? और इतने दिन तू यहाँ पे क्या कर रहा था बता? कौन सी चाल चल रहा है कौशल राज हमारे विरुद्ध बता? मैंने कोई भेद नहीं चुराए। मारो इसे। अंतिम बार पूछ रहा हूं बता, मेरे साथ और कोई नहीं है? मैं कौशल राज का गुप्तचर नहीं हूँ, मैंने कोई भेद नहीं चुराए। तो युवराज के प्राण तुम क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि वो मेरी प्रेमिका के साथ मिका के साथ है। ये सत्य कह रहा है मंजिले काका, उर्मिला से प्रेम करता है। उर्मिला? वो गणिका? गणिका और प्रेम? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं युवराज, ये गुप्तचर है, केवल गुप्तचर। ये राजदूत है जो कौशल राज्य का निमंत्रण देने आया था। राजनीति में गुप्तचर को मुक्त नहीं किया जाता युवराज। राजनीति में राजदूत पर हथियार भी नहीं उठाए जाते, उसे अभय वचन दिया जाता है। राजदूत कभी भी युवराज पर आक्रमण नहीं करते, और इसने तो आप पर। ये दोनों बातें अलग हैं, इसे इस विषय के साथ ना जोड़ें। क्यों ना जोड़ें? ये गुप्तचर है, इसीलिए इसने आप पर आक्रमण किया। या आक्रमण किया इसीलिए गुप्तचर बना दिया गया। मुक्त कर दो इसे। आप इसे मुक्त नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये राज्य की सुरक्षा का विषय है, इसे केवल महाराज की अनुमति पर छोड़ा जा सकता है। तो फिर आप भी इसे इस तरह से पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। आप भी महाराज की प्रतीक्षा करें। युवराज होने के नाते आज मैं इसे एक अभय वचन देता हूं, और सब इसका पालन करें। अब मैं बलदेव से एकांत में बात करना चाहता हूं। युवराज, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, कहीं इसने फिर से। आप चिंतित ना हो मां मंत्री, मैं सुरक्षित हूं, बस आप हमें एकांत दें। सिद्धार्थ अपनी मर्यादा और बड़ों का आदर भूल रहा है। क्या एक गुप्तचर राजदूत का वेश धर कर आया है? नहीं, एक राजदूत एक प्रेमी बन के रह गया। तो तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों किया?
आप जानते हैं मैं उर्मिला से प्रेम करता हूं, किसी और को उसके साथ नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है बलदेव, कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है? राज, प्रेम कीजिए, जान लेंगे। तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे बलदेव। हाँ, जा सकते थे, पर कोई मेरी प्रेमिका के साथ संबंध रखे उसकी विवशता का लाभ उठाए। मैंने कभी किसी की विवशता का लाभ नहीं उठाया, हम केवल मित्र हैं। उर्मिला केवल तुमसे प्रेम करती है बलदेव, केवल तुमसे। क्या तुम उर्मिला से विवाह करोगे? क्या तुम उसे अपनी पत्नी का स्थान दोगे? तो वचन है ये मेरा, तुम्हारा विवाह मैं करवाऊंगा उर्मिला से। आप धन्य है युवराज, आप धन्य है। युवराज, किस सोच में है? दूसरा बंध तो पहनना ही भूल गए। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है लौशिका? तुमने कुछ कहा नहीं, यानी तुम्हें भी मेरी तरह प्रेम की अनुभूति नहीं हुई। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। हंसी क्यों? चकित थी, आज आपने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। क्या प्रेम करने वालों का विवाह करवाना योग्य कर्म है? हाँ युवराज, ये बहुत पुण्य का काम है। कम लोग होते हैं जिन्हें प्रेम करने वाले मिलते हैं। तो प्रार्थना करना कि मैं दो प्रेम करने वालों का विवाह करा सकूं और मुझे भी प्रेम की अनुभूति हो। तथास्तु। आप प्रेम से अज्ञान हैं और वो भी जो आपसे प्रेम करती है। यशोधरा, आपकी अनुभूति। तो है ना, उसे दंड तो नहीं दिया क्या? क्या उसे छोड़ देंगे? क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? मुझे बोलने का अवसर तो दो। वो बिल्कुल ठीक है, मैं स्वयं उससे मिलकर आया हूं। कहा उसने? क्या हमारे प्रेम की कसौटी पर खरा उतरा वो? अब एक प्रश्न का उत्तर दो मुझे। बलदेव तुमसे विवाह करना चाहता है, क्या तुम बलदेव पर विश्वास करके कौशल जाने को तैयार हो? तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा।
कंचनी कहाँ है? मोहिनी देवी, हम कंचनी को देखना चाहते हैं, बुलाइए उसे। क्षमा कीजिए कुमार, किंतु कंचनी आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएगी, अस्वस्थ है वो। अरे हम भी तो अस्वस्थ हैं कंचनी के बिना। कुमार, वो ज्वर से पीड़ित है। और मैं भी तो ज्वर से पीड़ित हूँ। काम ज्वर से। वो किस ज्वर से पीड़ित है? लालच के ज्वर से। बोलो। ये लो उसका उपचार, और बुलाओ मेरे उपचार को। जाओ उठाओ उसे और बुलाओ कंचनी को। बुलाओ। ज्येष्ठ, उन्होंने कहा ना कंचनी बीमार है। ये रंग भवन है, कोई गुरुकुल या राज दरबार नहीं है। क्या तुम्हारी चलेगी, समझे? ये हमारी और कंचनी की बात है। मोहिनी देवी, आप जानती हैं कि कंचनी के नृत्य के बिना हम रात की कल्पना भी नहीं कर सकते। बुलाइए उसे, कंचनी को बुलाइए। कंचनी आएगी और नृत्य करेगी, नृत्य करेगी और हम बदहोश होंगे। कंचनी कंचनी आओ। अब नृत्य शुरू करो सुंदरी। बजाओ बजाओ। बंद करो ये नाटक और नृत्य शुरू करो। बस करो ज्येष्ठ, हम सब तुम्हारे कारण अपमानित हो रहे। तो मैं लौट जाइए, ये जगह अपमान से परे। तुम देख रहे हो ये स्वस्थ है ये? अरे ये एक गणिका है, हमारी कामाग्नि को शांत करना इसका कर्तव्य है। ये हमारी तरह मनुष्य भी है। ये सिर्फ एक गणिका है, एक उपभोग की वस्तु, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्षमा करना चाहिए, आपको केवल स्त्री शरीर की आवश्यकता है और कुछ नहीं। और भी है यहाँ पर, किसी के भी साथ अपना दिल बहला लीजिए। अच्छा,
ठीक है, जैसी युवराज की आज्ञा। तो फिर आज रात हम अपनी कामाग्नि उर्मिला के साथ बुझाएंगे। चलो उर्मिले, आज देवदत्त के साथ रात बिताओ। बलदेव तुमसे विवाह करना चाहता है, क्या तुम बलदेव पर विश्वास करके कौशल जाने को तैयार है? तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा। क्या हुआ युवराज, चुप क्यों हो गए? नहीं रह सकोगे ना और मिला की वीणा के बिना? कहना आसान होता है युवराज, और करना कठिन। जिस तरह तुम उर्मिला के वीणा के बिना तड़पते हो ना, उसी तरह हम भी अपनी कंचनी के बगैर तड़पते हैं। समझे कंचनी? आओ कंचनी। वो जाने तो आज दी होगा, आज मुझे अंधेरे में ही रहने दो। क्या वीणा सुनने की इच्छा है? नहीं, आज भीतर ही इतना शोर है कि कुछ सुनाई नहीं देगा। मेरे हृदय में यह बात शूल की तरह चुभ रही। यह सब देखकर भी मैं चेष्ट को रोक न सका। आप और मैं दोनों ही विवश हैं। आज एक प्रश्न और मेरे मन में उठा, लोग इसे आनंद भवन क्यों कहते हैं? ये सब क्या है कंचनी की ये हालत? कुमार देवदत्त के लिए कंचनी केवल एक वस्तु है जो उन्होंने गिरा दी,
टूट गई। कंचनी ने विरोध क्यों नहीं किया? गणी का ही विरोध नहीं कर सकती युवराज। यदि हमने विरोध किया तो ये तो अमानवीय है। कोई ऐसा व्यवहार पशु के साथ भी नहीं करता। मैंने बहुत विनती की पर वो नहीं रुके। निष्ठुरता, इतना अपमान। ज्येष्ठ कहाँ है कामुका जी? वो अखाड़े की ओर गए हैं। सुधा, वो भी एक स्त्री के साथ? जवाब दो, तुमने किस स्त्री के साथ पशु जैसा व्यवहार क्यों किया? जवाब दो। वो एक गणी का केवल, जिसने मेरी इच्छा का अनादर किया। वो बीमार थी और मिल्ला को भेज देता। गणी का वो स्नेह नहीं करते। हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ स्नेह करना चाहिए। गणा नहीं, तुम तो मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हो। Siddharth! महाराज की उपस्थिति ने तुम्हें बचा लिया देवदत्त, वरना आज मैं तुम्हारा वही हाल करता। क्षमा महाराज, आज्ञा। आज तो हर्षोल्लास मनाने का दिन है। सेहानू के वंशज ने अपने ज्येष्ठा पर हाथ जो उठाया है। परीक्षा देते समय क्या कह रहे थे युवराज? मैं अपने ज्येष्ठा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कहकर सबके सामने अपने आप को महान प्रमाणित कर रहे थे। और आज लज्जा नहीं आई अपने विवेक को भूलते हुए? सिद्धार्थ, ये तुमने उचित नहीं किया। जाओ जाके देवदत्त से क्षमा मांगो। क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ माँ, किंतु आप जानते नहीं। कारण कोई भी हो, मुझे नहीं सुनना। तुमने मर्यादा भंग की है। हाँ, मैंने मर्यादा भंग की, क्योंकि उन्होंने स्त्री की मर्यादा को भंग किया, उसके सम्मान को निर्दयता से रौंदा। किंतु ये मत भूले युवराज सिद्धार्थ, की जिस स्त्री की आप बात करें वो कोई देवी नहीं, एक तुच्छ गणिका है। वो गणिका एक स्त्री भी है। उसने देवदत्त की सेवा में उपस्थित रहने से मना किया। दिन के उजाले में स्त्री आदि शक्ति का स्वरूप, और रात्रि होती पौरुष शक्ति का प्रयोग। ज्येष्ठा ने आज हम सबको लज्जित कर दिया, और विवेक मैं नहीं भूला, संस्कारों की होली ज्येष्ठा ने जलाई, और बदनाम हुआ मैं।
पिताजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मैं आपसे आदेश पत्र की याचना कर सकता हूं। कहो पुत्र। अब यह आदेश दें कि आज के बाद कोई भी स्त्री, चाहे वो गणी का ही क्यों ना, किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से इनकार कर सकती है। और उसके इनकार करने पर कोई उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसे वही दंड मिलेगा जो एक हत्यारे को दिया जाता है। सिद्धार्थ की बात योग्य है, यह स्त्री की भलाई की बात कर रहा है। ठीक है सिद्धार्थ, जो तुम चाहोगे वही आदेश होगा। आपका यह आदेश मेरे लिए आपका दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है पिताजी। आज्ञा। परंतु भाई महाराज, मुझे खेद है कि सिद्धार्थ ने देवदत्त पर हाथ उठाया, परंतु इस बात से मैं प्रसन्न हूं कि आनंद भवन जाने के पश्चात उसमें आक्रामकता आई है। अखाड़े में वो ऐसे लड़ रहा था जैसे वीर क्षत्रिय लड़ रहा हो। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखने के लिए मैं सदैव आतुर था। बधाई हो देवी, मैंने आज तक सिद्धार्थ को जब भी देखा एक बालक की तरह देखा, परंतु आज पहली बार सिद्धार्थ में एक पुरुष को देख रहा हूं। क्या हुआ? अरे क्या पूछ रही हो, क्या हुआ? यूं कहो युग बदलने का संकेत है। मैं कुछ समझी नहीं। अब ऐसी निर्दयता तुम्हारे साथ या किसी के भी साथ कोई नहीं कर सकता, युवराज भी नहीं। ये तो क्या कह रही है? युवराज के कहने पर महाराज ने आदेश निकाला है, अब कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने से मना कर सकती है, और यदि उसके मना करने के पश्चात भी उस पर कोई अत्याचार करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। किंतु युवराज, ये आदेश तो केवल स्त्रियों के लिए है, हम तो गणिकाएं हैं। गणिकाएं भी मना कर सकती हैं। अब इच्छा सिर्फ तुम्हारी हो, किसी और की नहीं। युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! युवराज सिद्धार्थ की जय! ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है युवराज। आपने केवल हमें ही नहीं अभी तो संपूर्ण स्त्री जाति को गौरव प्रदान किया है। युवराज, आज मंगल घड़ी, आप यही रुक जाइए। नहीं, मंगल घड़ी तो अभी आने वाली। अब कौन सी मंगल घड़ी आने वाली है? मैं नहीं समझी। गांधर्व विवाह की तैयारियां कीजिए। आपकी इस वीणा को लेने कोई आ रहा है? तो क्या विवाह होगा?
भारत आएगी। तुमने मुझे प्रेम से परिचित करवाया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम से मिलवाऊंगा। मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान किसी गुरु से कम नहीं। कौशल का राजदूत ये यहां क्यों? अनुज राजदूत नहीं, गुप्तचर है ये। महाराज मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं, यह आरोप झूठा है। इसने युवराज सिद्धार्थ पर आक्रमण किया था। तो ये अब तक जीवित कैसे है? ऐसे ही, बस ऐसे ही एक ही बार मैं इसका सर धड़ से अलग करना चाहता था, परंतु युवराज सिद्धार्थ ने राजनीति का पाठ पढ़ाकर मुझे रोक दिया। कहने लगे कि आपकी आज्ञा के बिना मैं इसे मार नहीं सकता। उन्होंने इसे अभय वचन दिया। सिद्धार्थ ने? जी भाई महाराज। महाराज युवराज सिद्धार्थ पधार रहे हैं। अच्छा हुआ महाराज आप मुझे यहीं मिल गए। मैं बलदेव को ले जाने आया हूं। क्या बलदेव ने तुम पर आक्रमण किया था? जी महाराज, पर वो इसकी भूल थी। इसे भ्रम था कि भ्रम तो हमें हुआ कि इसे हम राजदूत समझ बैठे। कौशल राज्य की मोहर लगा आमंत्रण लेकर आए थे। गुप्तचर हो या राजदूत, प्रश्न केवल इतना है कि इसने युवराज पर आक्रमण किया और वो अभी तक जीवित है, इसे मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया? क्षमा महाराज, पर आप दंड इसे नहीं कपिलवस्तु की प्रजा को देंगे। अर्थात? अर्थात एक देश के राजदूत की दूसरे देश में मृत्यु हो जाए तो युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और फिर चाहे युद्ध सत्य के लिए हो या असत्य के लिए, होती हानि ही है महाराज। तुम्हें मुक्त किया जाता कीजिएगा महाराज। ये कैसा पुत्र प्रेम है जो आपने युवराज के कहने पर कौशल राज्य के गुप्तचर को मुक्त कर दिया? न जाने कल इसका क्या परिणाम है। अनुज इस समय सिद्धार्थ जो चाहे उसे सहयोग करो। जैसे ही बलदेव कपिलवस्तु की सीमा के पार होगा उसे मृत्युदंड दे दो। युवराज पर आक्रमण करने वाला जीवित नहीं रहना चाहिए। जी महाराज। Yeah.
पैर मेरे नहीं, बड़ों के और माता पिता के छूना। बलदेव, कौशल पहुंचते ही सारे समाज के सामने रीति रिवाज के साथ उर्मिला को अपनाना। सुखी रहो, अब मुड़ के यहां दोबारा कभी मत देखना। अपनी सारी स्मृतियां गंगा जी में बहा दे। युवराज, ये सब कुछ आपकी इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। यह मंडप रोज सजते हैं, सुहाग रात रोज मनाई जाती है, किंतु विवाह आज पहली बार हुआ है। ये शहनाइयां आज पहली बार बजी है। आपको बहुत 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 धन्यवाद। अब चलो युवराज, संध्या से पहले हमें सीमा पार करना है। जैसे ही वो कौशल देश की सीमा में पहुंचे, उसे मार देना। बलदेव, यहां कपिल वस्तु की सीमा समाप्त होती है और कौशल देश की सीमा में तुम सुरक्षित होगे। चन्ना, इन्हें आगे तक छोड़ दो।
सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।